Good morning, students. Welcome to your computer class. In this particular lecture, the topic which I am going to cover is formatting and calculation in MS Excel. So first of all, we need to understand that what is formatting and then again what is calculation. Well, the formatting in reference to MS Excel which I will be talking about is that whatever text जो मैं MS Excel की सेल्स में लिख रहा हूँ उनकी मैं फॉर्मेटिंग कैसे करूँगा। फॉर्मेटिंग का मेरा मतलब हुआ कि अगर मैं चाहता हूँ उनको मैं बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये मैं कैसे करूँगा, वो हम जो बेसिकली फॉर्मेटिंग में बेसिकली देखेंगे, रादर वी लर्न अबाउट दैम। एंड इस विल ऑल्सो इंक्लूड दैट जो भी डिफरेंट सेल्स हैं हमारे जो एक्सेल वर्कशीट है उसमें डिफरेंट सेल्स हैं उनको मैं किस तरह सेलेक्ट कर सकता हूँ। So these things will also be coming in formatting. Then finally I'll be talking about the calculations. So Excel के अंदर I can perform number of mathematical calculations, that includes plus, minus, divide, multiplication, all these kind of calculations can actually be done in MS Excel. So I will be talking about and definitely I'll be giving you a practical demonstration about all of them. So now let's move to the next slide. In the next slide, as you can see, I have written topics to be covered. So in this particular section of a video which I will be posting on the YouTube, I will be covering about selecting cells. So whatever cells which we have in MS Excel worksheet, so how possibly we can select them. So the first of all is going to be to select a single cell. Agar mujhe koi ek cell select karna hai, उसके बाद टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स, जो अगर जो सेल्स मैं चाहता हूँ सेलेक्ट करना वो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं तो वो मैं कैसे करूँगा। उसके बाद टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल, मतलब जो भी मैं सेल सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो एडजेसेंट नहीं है, वो नॉन एडजेसेंट हैं, वो एक तरह से स्प्रेडेड ऑल ओवर दी वर्कशीट, जो मेरी वर्कशीट है MS Excel की है उस पर फैले हुए हैं, उनमें से मुझे कोई पर्टिकुलर सेल्स को सिलेक्ट करना है तो वो मेरे नॉन एडजेसेंट सेल्स हो जाएंगे, तो वो मैं कैसे करूँगा। उसके बाद टू सेलेक्ट एन इंटायर रो, अगर मुझे पूरी एक रो सेलेक्ट करनी है MS Excel के अंदर तो मैं वो कैसे करूँगा। टू सेलेक्ट एन इंटायर कॉलम, कि अगर मुझे पूरे एक कॉलम करना है उसको कैसे सिलेक्ट करूँगा। फाइनली अगर मुझे पूरी अपनी वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो आज का जो ये पर्टिकुलर वीडियो रहेगा इसी के बारे में रहेगा कि मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके मैं बताऊंगा कि कैसे मैं बेसिकली सेल्स को डिफरेंट लेवल्स पे सिलेक्ट कर सकता हूं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस नेक्स्ट स्लाइड व्हिच यू कैन सी दैट आई हैव रिटन ऑन द टॉप सिलेक्टिंग सेल्स, इन व्हिच व्हाट आई हैव बेसिकली रिटन इन द रेड, इट इज द वे ऑफ प्रोसीजर जिसके थ्रू मैं सेल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है टू सेलेक्ट अ सिंगल सेल, तो उसके लिए मैं माउस का यूज कर सकता हूँ या एरो की कीबोर्ड का एरो की का यूज कर सकता हूँ। सेकेंड है टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स, दैट मीन्स मुझे जो है एडजेसेंट सेल्स को मतलब सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं शिफ्ट की का यूज करूंगा और कीबोर्ड की जो एरो की है उसका यूज करता हूँ या मैं माउस का यूज भी कर सकता हूँ। फिर आता है टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल्स, उसके लिए जो है मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी सेल उसे सेलेक्ट करूंगा, उसका मैं कंट्रोल की दबाऊंगा और उसके बाद जो है माउस की मदद से मैं इंडिविजुअल सेल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ, नॉन एडजेसेंट सेल्स जो हैं। फिर जो आता है वो आता है टू सेलेक्ट इंटायर रो, अगर मुझे पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो उसके की दबाऊंगा, उसका साथ शिफ्ट की दबाऊंगा और फिर राइट एरो की दबाऊंगा। फिर आता है टू सेलेक्ट इंटायर कॉलम, उसके लिए मैं कंट्रोल प्लस डाउन एरो की जो होती है कीबोर्ड की मैं वो दबाऊंगा। और फाइनली आता है हमारा टू सेलेक्ट इंटायर वर्कशीट, उसके लिए मैं जो हूँ कंट्रोल ए का यूज कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस ए का कीबोर्ड का, या फिर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट बार का यूज कर सकता हूँ। और थर्ड चीज है कि यू कैन सी जो है आपका यहाँ पर ये एक शेप बनी हुई है, ये भी हमारे एक्सेल शीट के अंदर हमारे जो वर्कशीट के आपके जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दी होती है, मैं उसका भी यूज़ करके अपनी पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करता हूँ। सो बेसिकली ये दीज आर द वे जिसके थ्रू जो है मैं बेसिकली सेल्स को और या वर्कशीट को रोज इन कॉलम्स को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ MS Excel के अंदर। सो नाउ लेट्स मूव टू द MS Excel जहाँ मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि कैसे मैं बेसिकली इन जो सिलेक्शन है सेल्स का, रोज का और कॉलम्स का, वर्कशीट का, वो कैसे कर सकता हूँ। सो नाउ एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन MS Excel ऑन माई कंप्यूटर, सो आई नीड एज आई हैव टू बेसिकली शो यू दैट हाउ आई एम गोइंग टू सेलेक्ट सेल्स ऑन अ डिफरेंट लेवल, सेल्स, वर्कशीट, कॉलम, रोज।
सो आई विल बी गिविंग यू अ प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन हियर. सो पहली जो चीज़ मुझे आप करानी है कि अगर मुझे एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं पहले तो या माउस का यूज़ कर सकता हूँ. मुझे जहाँ जो भी मुझे सेल पसंद है सिलेक्ट करने के लिए मैं उस पर जाकर माउस से क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो सेल जो है सिलेक्ट हो जाएगा. इसके अलावा जो है मैं अपने कीबोर्ड की जो एरो कीज़ दी होती हैं उनका भी मैं यूज़ कर सकता हूँ. मैं एरो कीज़ की मदद से मैं डिफरेंट सेल्स पे जा सकता हूँ एंड जैसे ही मैं मूव करूँगा उन सेल्स पे वो आप देख सकते हैं एक ब्लैक लाइन उनके चारों तरफ आ गई दैट इंडिकेट्स कि ये सेल आपका सेलेक्ट हो गया है. तो ये तरीका हुआ जिसके थ्रू मैं जो हूँ अभी एक सिंगल सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ. अब हम बात करते हैं कि अगर मुझको टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ एडजेसेंट सेल्स, अगर मुझे जो है ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करना है जो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए सबसे पहले काम मैं ये करूँगा कि कोई भी मैं सेल को सिलेक्ट कर लिया. तो अच्छा मान लीजिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, अब मैं मुझे जो इसके एडजेसेंट सेल्स हैं उनको मैं चाहता हूँ सिलेक्ट करना, तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी कीबोर्ड की जो शिफ्ट की है वो दबाऊँगा और उसके बाद जो हूँ मैं एरो की है वो दबाऊँगा और मैं दबाता रहूँगा वहाँ तक जहाँ तक मुझे सेल्स को सिलेक्ट करना है. और अगर जब मैं सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा तो आई एम गोइंग टू रिलीज द कीज. जैसे ही मैं कीज को रिलीज कर दूँगा यू कैन सी दैट हमने जो सेल्स को सिलेक्ट करा है उनके चारों तरफ एक ब्लैक लाइन हो गई है ड्रॉ. ये इंडिकेट करता है कि ये जो सेल्स एडजेसेंट सेल्स हैं इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया है. अब हम नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि अगर मुझको जो है टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल्स. नॉन एडजेसेंट सेल्स का मतलब ये हुआ कि जो सेल्स मेरी वर्कशीट में डिफरेंट जगहों पर हैं उनको मुझे सेलेक्ट करना है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं ऑफकोर्स जो हूँ मैं कीबोर्ड के अंदर जो कंट्रोल की है पहले मैं उसको दबाऊंगा और कंट्रोल की दबाने के बाद मैं अपने माउस की मदद लेके उन सेल्स पे मैं करूंगा क्लिक जो मुझे सिलेक्ट करने हैं. लाइक दिस आई विल कीप ऑन क्लिकिंग उन सेल्स को जो मैं चाहता हूँ सिलेक्ट करना. और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे नॉन एडजेसेंट सेल को सिलेक्ट कर लिया जो मैं चाहता था तो मैं जो अपनी कीबोर्ड की की को रिलीज़ कर दूंगा. रिलीज़ करते ही आप नोट करेंगे कि जो जो सेल्स मैं सिलेक्ट कर रहे थे उनका ये जो रंग है बेसिकली चेंज हो गया है. इट हैज़ रादर बिकम बिट लाइक ब्लू बेसिकली ग्रे और ब्लू शेड के अंदर बेसिकली ये आ गए हैं. तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मतलब सेल्स हैं ये सिलेक्ट हो चुके हैं. तो बेसिकली ये तरीका है जिसके थ्रू मैं ग्रुप ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ जो एक दूसरे के एडजेस्टेड नहीं हैं. अब हम बात करते हैं कि अगर मुझको जो है आपका पूरी जो है आपकी टू सिलेक्ट एंटायर रो, अगर मुझे पूरी एक रो को सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा. तो मान लीजिए कि मुझे जो है आपका जहाँ मैंने अपने माउस से क्लिक करा है ये पर्टिकुलर जो इसमें रो है उसको मुझे सिलेक्ट करना है. तो अगर मुझे पूरा रो को सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं अपना कंट्रोल शिफ्ट और आपकी जो है राइट एरो की मैं वो दबाऊँगा. जैसे ही वो दबाऊँगा यू कैन सी कि मैं मेरी पूरी रो जो ये है ये सिलेक्ट हो चुकी है. तो ये तरीका हुआ जिसके थ्रू जो है मैं जो हूँ आपका एक पूरी रो जो है वर्कशीट की उसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ. फाइन. सो अब हम मूव करते हैं कि अगर मुझे रो के अलावा अगर मान लीजिए मुझको कॉलम को सिलेक्ट करना है तो मैं कॉलम को सिलेक्ट कैसे करूँगा. टू सिलेक्ट एन इंटायर कॉलम. फाइन. सो टू सिलेक्ट एंटायर कॉलम अगेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एनी ऑफ द सेल्स और वहाँ पर मैं जो हूँ आपका शिफ्ट आपका जो है आई विल प्रेस कंट्रोल और जो है कंट्रोल और मैं डाउन एरो की वो दबाऊंगा. तो जैसे ही मैं दबाऊंगा तो जितने भी इसके अंदर आपके पूरा जो कॉलम है वो मेरा कॉलम हो गया है सेलेक्ट यहाँ पर. तो दिस वॉज द वे जिसके थ्रू मैं जो हूँ पूरा एक कॉलम को जो हूँ सेलेक्ट कर सकता हूँ जो हूँ MS Excel के अंदर. अब हम जो आते हैं जो हमारा नेक्स्ट चीज़ जो है हमारी जो मैं आपको बेसिकली प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा टू सेलेक्ट एन इंटायर वर्कशीट. अगर मुझे पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा. तो पहला जो तरीका है करने का वो तो ये है कि मैं कंट्रोल और जो है ए दबा दूँ, उससे क्या होगा मेरी पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी. दूसरा तरीका जो है सिलेक्ट करने का वो ये है कि मैं कंट्रोल प्लस
शिफ्ट और स्पेस बार दबाऊँ, उससे भी मेरी पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगी। और फाइनली जो आखिरी तरीका ये है, यू कैन सी यहाँ पर जो है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे वर्कशीट पे ये जो एक शेप बनी हुई है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो इससे भी मेरी वर्कशीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। सो दिस वॉज बेसिकली द वे जिसके थ्रू मैं जो हूँ अपने वर्कशीट के अंदर सिलेक्शंस कर सकता हूँ डिफरेंट लेवल्स पे, वो सेल हों आपके या कॉलम्स हो, रोज हो, या पूरी वर्कशीट हो। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर एंड नाउ आई वांट यू टू बेसिकली वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी मैंने वो चीज़ें बताई ना। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग विच यू अनेबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी। माई नंबर इज ऑलरेडी गिवन इन द ग्रुप, सो आप मुझे वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और आप जो है यूट्यूब के अंदर जो कमेंट सेक्शन है वहाँ भी एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है या क्वेश्चन है। थैंक यू।